हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट। ये सेकंड पार्ट है। अगर किसी ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ विजिट टू माई फर्स्ट वीडियो विच इज़ इसका जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग का, वो सब फर्स्ट वीडियो में हमने कवर करा है। इस वीडियो में हम मीनिंग जो ऑफ एग्रेशन का है वो कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो स्टार्टिंग का जो पर्सनैलिटी है ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर रखा है। तो प्लीज़ विजिट टू माई फर्स्ट वीडियो। नाउ टुडेज टॉपिक इज मीनिंग ऑफ मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेशन। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेशन मतलब ये क्या कहता है, द जो ये टर्म एग्रेशन है ये रेफर क्या करता है, ये हमारे बिहेवियर को रेफर करता है। हमारे जो बिहेवियर होता है वो एग्रेशन मतलब शो करता है किस टाइप का। अगर ज़्यादा मतलब जो साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसकी वजह से हमें एग्रेशन में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से हम कोई भी वर्क अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और हम डेफिनेशन की बात करें तो ये द टर्म एग्रेशन है। द टर्म एग्रेशन रेफर टू अ रेंज ऑफ बिहेवियर दैट कैन रिजल्ट इन बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म टू वन सेल्फ, टू इंडिविजुअल और अदर और ऑब्जेक्ट इन द इन एनवायरनमेंट। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये एग्रेशन है बहुत टाइप के होते हैं। जैसे हमारे लिए ये हार्मफुल तो है ही है, सोशल इंट्रैक्शन भी मतलब बिगाड़ देता है, और जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इसकी वजह से, और इसकी वजह से हमारा कोई भी वर्क है वो भी ख़राब हो जाता है, हम प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। अगर हम इसके काउसेस की बात करें तो ये चिल्ड्रन में पुअर रिलेशनशिप स्किल की वजह से हो जाता है, और स्ट्रेस की वजह से होता है, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से चिल्ड्रन में एग्रेशन आ जाता है। और टीनेज एज में जनरली जो प्रेशर होता है उन पर उस वजह से होता है, जैसे स्टडी करते हैं तो उसका प्रेशर होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से टीनेजर एज में एग्रेशन आ जाता है। लाइक अनहेल्दी रिलेशनशिप होता है, इस वजह से भी हो जाता है, फैमिली में भी कुछ वजह से हो जाता है, मेंबर्स में लड़ाई झगड़ा हो जाता है इस वजह से। एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट काउसेस एंड फॉर्म ऑफ एग्रेशन। इसमें क्या है, काउसेस एंड फॉर्म ऑफ एग्रेशन में अडल्ट में अगर हम बात करें तो अडल्ट में जॉब का स्ट्रेस होता है, इस वजह से एग्रेशन में आ जाते हैं। अनहेल्दी रिलेशनशिप तो खुदा ही होता है, और जो फ्रेंड्स का ईगो होता है उस वजह से भी एग्रेशन में आ जाते हैं, और जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उस वजह से भी एग्रेशन में आ जाते हैं लोग, और जो मेंटली इल होते हैं उस वजह से भी, और अनहेल्दी कंडीशन होती है होम घर में उस वजह से एग्रेशन में आ जाते हैं। अगर हम फॉर्म ऑफ एग्रेशन की बात करें अब तो टू टाइप की फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ एग्रेशन एग्रेशन बहुत टाइप के होते हैं जिसमें सच एज फिजिकल, वर्बल, मेंटल और इमोशनल, मेनली ये फोर हैं। और पर्पस की अगर हम बात करें तो पर्पस इसका जनरली टू एक्सप्रेस एंगर, गुस्सा दिखाना होता है, और डोमिनेंस असर टू डोमिनेंस, और इसका कोई गोल अचीव करना नहीं होता है, ये हमारे लिए बेसिकली हार्मफुली होता है। किसी को थ्रेट करना या फिर एक्सप्रेस करना अपने प्रिसीजन और मतलब जो रिस्पांस दिया जाता है गुस्से में वो हमारे लिए हार्मफुली होता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें एग्रेशन टाइप ऑफ एग्रेशन, अब तो एग्रेशन क्या होता है, एग्रेशन के टाइप होते हैं इंपल्सिव। फर्स्ट है इंपल्सिव। इंपल्सिव मतलब ये एक ऐसा करेक्टर होता है जो स्ट्रॉन्ग इमोशन वाले लोगों में होता है, गुस्सा आ जाता है, इस वजह से एग्रेशन में आ जाते हैं, और ये कोई प्लान के वजह से नहीं, अचानक किसी में भी हो सकता है। सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन मतलब ये भी ऐसा एग्रेशन होता है जो बिहेवियर को चेंज कर देता है, कोई भी इंडिविजुअल में बिहेवियर चेंज हो जाता है, और प्लानिंग अगर कोई करता है तो प्लानिंग में वो मतलब खत्म कर देता है, ऐसा एग्रेशन आता है पीपल में। और थर्ड वन है असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन। असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन क्या होता है, असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन होता है, इट इज़ द बिहेवियर दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ लेजिटिमेट फिजिकल और वर्बल फोर्स टू अचीव वन्स पर्पस, सच एज स्लैजिंग इन क्रिकेट टू काउज फिजियोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट टू द बैट्समैन। मतलब आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट विकेट होता है कभी कभी बहुत सारी बहुत टाइम बहुत मैनी टाइम्स दे फाइट ईच अदर बिटवीन टू टीम्स, प्लेयर्स आपस में लड़ाई कर पड़ते हैं, फाइट कर देते हैं, तो वो एग्रेशन की वजह से होता है। एग्रेशन इन स्पोर्ट ये है, इसका कॉन्सेप्ट हमने बताया था अभी। अब हम अगर फैक्टर की बात करें, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्पोर्ट एग्रेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्पोर्ट एग्रेशन, इसमें क्या है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, परसेप्शन ऑफ विक्टिम इंटेंट होता है, फियर मतलब नहीं रहता है लोगों में, गेम स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, ट्रेडिशनल रेवलरी मतलब जो ट्रेडिशनल रेवलरी होता है एग्रेशन की वजह से हाई हो जाती है। और अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट जो परफॉर्मेंस होती है वो मतलब बिगड़ जाती है ड्यू टू एग्रेशन की वजह से, इंजरी भी आ सकती है एग्रेशन की वजह से फाइट होगी तो, और इफेक्ट ऑफ मेंटल जो स्टेबिलिटी होती है वो भी डिगड़ जाती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन थोड़ा लो हो जाता है, और हेल्थ अफेक्टेड, हेल्थ पे भी असर पड़ता है एग्रेशन का, और बैड इमेज बन जाती है लोगों के सामने अगर एग्रेशन जिसमें ज़्यादा आता है, लीड टू क्राइम, क्राइम तक पहुँच सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक विच इज लास्ट टॉपिक है, जिसमें एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करा जा सकता है, हाउ टू कंट्रोल एग्रेशन, हाउ टू मैनेज
एग्रेशन सबसे पहले तो इसका फर्स्ट इजीली बहुत बढ़िया मेथड है जो डीप ब्रीथिंग करते हैं योगा के थ्रू, जैसे अनुलोम विलोम है या फिर कपाल भाती है या फिर बहुत मतलब बहुत सारे योगा हैं योगिक प्राणायाम है, उनको करने से एग्रेशन मतलब छुटकारा मिल जाता है उससे। और ड्रिंक ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, फॉलो एडवाइस को फॉलो करना चाहिए लोगों को जो मतलब एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों के, उनको दिखाना चाहिए। साइकोलॉजिकल बिहेवियर है जो उसको मतलब मेंटेन में रखना चाहिए, एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं पैनिक में नहीं आना चाहिए और क्रिटिसिज्म मतलब नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा नहीं झेलना चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज करोगे तो फिर स्ट्रेस में आओगे जिसकी वजह से एग्रेशन में आ सकते हो, इसलिए क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए और ना देखना चाहिए ना सुनना चाहिए। फोकस योर टारगेट, जो टारगेट आपका है उस पर फोकस करना चाहिए, सफिशियंट प्रैक्टिस प्रैक्टिस हमेशा करती रहना चाहिए। और क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हमेशा अपना बना रहना चाहिए। और एनकरेजमेंट, जो पेपर में पर्सन में एनकरेजमेंट होता है वो हमेशा बना रहना चाहिए, हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। और अगर हम और बात करें तो जो पार्टिसिपेट करते हैं लोग गेम्स में फिजिकल एक्टिविटीज़ में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए जिससे कि हम ऑलवेज मोटिवेटेड रहें और स्ट्रेसफुल रहें। और हमें मतलब जब एक्सरसाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है एग्रेशन नहीं दूर एग्रेशन से दूर रहेंगे। हमें अवॉइड करना चाहिए जो स्ट्रेसफुल पर्सन होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। यही था आज का टॉपिक, धन्यवाद। और आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।